नगर निगम चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जहां इससे पहले सामने आए एग्जिट पोल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गजों की हार्टबीट बढ़ा दी है, वहीं शहर के 85 वार्डों पर एमबी न्यूज के सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों की जीत का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसने सभी को चौंका दिया। देखिए खास रिपोर्ट। निगम चुनाव के लिए मतगणना की उल्टी गिनती हुई शुरू। सामने आए एग्जिट पोल ने उड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नींद। एमपी न्यूज के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। पार्षदों की जीत का अंक गणित देखकर चौंक गए दिग्गज। 85 में से 60 वार्डों में मजबूत दिख रही बीजेपी की स्थिति। 85 में से लगभग 35 वार्डों में कांग्रेस का किला मजबूत। इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो चुका है। जहां 17 जुलाई को खुलने वाली मतपेटियां प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का फैसला करेंगी, तो वहीं इससे पहले इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए सामने आए एग्जिट पोल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की नींद उड़ा दी है। जहां एमपी न्यूज के एग्जिट पोल में पार्षदों की जीत का जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला रहा। एमपी न्यूज के इस एग्जिट पोल पर नजर डालें तो इसमें बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। जहां बीजेपी को 85 में से 65 वार्डों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को 85 में से 35 वार्डों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। उधर 2 से 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की किस्मत चमकने की भी संभावना है। महापौर चुनाव के लिए एग्जिट पोल पहले ही बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव की स्थिति मजबूत बता चुका है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की उम्मीदें भी बरकरार है। अब की बार नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जहां विकास और स्वच्छता के नाम पर जनता का दिल जीतने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का और पीली गैंग से मुक्ति का सपना शहर की जनता को दिखाया है। बहरहाल अब देखना होगा कि 17 जुलाई को खुलने वाली मतपेटियां किसे शहर की सेवा का सौभाग्य देती हैं और आखिर कौन शहर का महापौर और कौन पार्षद बन सेवा का सौभाग्य पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।